हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ काबुली चना की टिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इसे बनाने के लिए मैंने रात को एक कटोरी छोले भिगोकर रख दिए थे और सुबह इसे चार कटोरी पानी के साथ कुकर में रख दिया और स्टीम आने के बाद में सिम पर करके 25 मिनट के लिए पका लिया और उसके बाद इसे ठंडा होने पर पीस लिया। आधा कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, कटी हुई शिमला मिर्ची थोड़ी सी, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, छोटा सा टुकड़ा अदरक का या ग्रेट कर लीजिए या बारीक काट लीजिए, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून साबुत धनिया, अजवाइन और जीरा लिया है। अभी हम मैश्ड छोलों में प्याज, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक, साबुत धनिया, जीरा और अजवाइन, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर मिला लेते हैं और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्सचर तैयार हो गया है। हाथों में तेल लगाकर इस तरह टिक्कियां बना लेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। अब इन टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेते हैं। इन्हें मैंने एक साइड से पलट लिया है। थोड़ा सा ऑयल और डाल लेते हैं। दोनों साइड से इन टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन करना है। अगर बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए, काबुली चने की टिक्की तैयार हो चुकी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you.